सभी भक्तों, माँ के छठे रूप छठवां जो नवरात्र है वो माँ कात्यायनी का है और माँ कात्यायनी की मैं कथा सुनाती हूँ। माँ का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा इसकी भी एक कथा है। कत नामक का एक प्रसिद्ध महर्षि था, उनके पुत्र ऋषि कात्यायन ही हुए। इन्हीं कात्यायन के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती परम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। दोस्तों, उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती के पुत्र के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी प्रार्थना उनकी स्वीकार कर ली थी। तो कुछ समय पहले की बात है, जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर पड़ गया था, तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की, इसी कारण से माँ का नाम कात्यायनी ही पड़ गया और ये कात्यायनी कहलाई गई। ऐसी भी कथा मिलती है, एक महर्षि कात्यायन के महापुत्री रूप से उत्पन्न हुई थी। अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी अष्टमी तथा नवमी तक तीन दिन इनके कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध भी किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी हैं। भगवान कृष्ण को प्रतिरूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों में इन्हीं की पूजा कारण यमुना के तट पर की थी। ब्रजमंडल की अधिशास्त्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भस्वर है। इनकी चार भुजाएं हैं। माता जी का दाहिना हाथ तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाई तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और निचले वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य की बड़ी सरलता से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थिर रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाती है। तो भक्तों, माँ की कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जब तक लिए जय माता दी, राधे राधे।